चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नदीम अरशद ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पूरे विश्व में 24 मार्च को टीबी विश्व दिवस मनाया जाएगा। टीबी सबसे खतरनाक संक्रामक रोग है। पूरे भारत में 3 मिनट में टीबी के 2 मरीज मरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य द्वारा 2025 तक टीबी से पूरे देश को मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए पहले टीबी के मरीजों की जांच करनी होगी तथा उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीबी के मरीजों की जांच तथा ट्रीटमेंट पूरे भारत में निशुल्क किया जा रहा है। अगर पूरे विश्व में हर साल 1 करोड़ टीबी के मरीज होते हैं तो भारत में 26 लाख टीबी के मरीज पाए जाते हैं तथा पूरे विश्व में प्रति वर्ष 15 लाख टीबी से मौतें होती हैं तथा भारत में प्रति वर्ष 4,35,000 टीबी के मरीज मर जाते हैं। उन्होंने बताया कि अगर 2 हफ्ते से अधिक किसी को बुखार, खांसी में ब्लड आता है या कमजोरी है तो भूख नहीं लगती तो टीबी का लक्षण माना जाता है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार हर टीबी के मरीजों को 500 रुपया हर महीने देती है जिससे उसका पोषण अच्छी तरह से चल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चेस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर नदीम अरशद ने कहा, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उससे डबल मेहनत करके उसको जो है कमी को पूरा किया जाए। मार्केट में 2000 की जांच है लेकिन फ्री अब 2 घंटे में अवेलेबल है। बलगम दीजिए, 2 घंटे में जांच दीजिए कि 2 तरह की जांच, टीबी है कि नहीं है और एक और कि टीबी किस टाइप की, सिंपल है कि रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट टीबी का इलाज अलग है, सिंपल का इलाज बहुत अच्छा है, 6 महीने फ्री मिल जाएगा। पूरे विश्व में कल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाएगा। टीबी एक सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शस किलर डिजीज़ है, संक्रामक रोग है। देखा गया है कि पूरे भारत में 3 मिनट में 2 मरीज टीबी के वजह से मर जाते हैं। इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट रोग है, इतना है कि इसको इन्फेक्शस किलर है, इसको जब तक हम लोग पूरी तरह से जड़ से नहीं मिटाएंगे ये आगे चलता रहेगा। तो इसीलिए 2025 में लक्ष्य रखा गया है कि 2025 में भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए हमको तैयारी करनी है, पहले टीबी के मरीजों की जाँच करनी होती है, रेगुलर जाँच कराई जाए और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया जाए। पूरे भारत में इसकी जाँच और इसका ट्रीटमेंट फ्री है, निःशुल्क दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि टीबी के साथ घर वाले जो साथ में रहते हैं, जो भी उनके कांटेक्ट में होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कांटेक्ट ट्रेसिंग। तो उनको कांटेक्ट करके उनकी पहचान करके कि उनको टीबी से ग्रसित नहीं है, अगर टीबी से ग्रसित नहीं है तो टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में हम लोग INH या INH रिफामाइसिन या पारोजरमाइड करके 6 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं, प्रिवेंटिव थेरेपी वो भी हम देखते हैं। जब तक हम लोग टीबी को प्रिवेंटिव थेरेपी नहीं देंगे तो ये टीबी की तरह से पूरी तरह भारत मुक्त 2025 में जो हमारा लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए टीबी का ट्रीटमेंट करना है, रेगुलर ट्रीटमेंट करना, उनकी डायग्नोसिस करना है, उनकी जाँच करके पूरा उनको टीबी का पूरी टीबी खत्म कर देना है। जो अगर 1 करोड़ मरीज पूरे विश्व में टीबी के होते हैं हर साल, तो इसमें 1/4 यानी 26 लाख के आसपास मरीज जो हैं टीबी के पूरे भारत में पाए जाते हैं और करीब करीब 4,35,000 15 लाख पूरे विश्व में टीबी के वजह से हर साल मौत होती है। हमारी यहाँ 1/4 करीब 4,35,000 टीबी के मरीज मर जाते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब हम टीबी के मरीज से अर्ली डिटेक्शन करें, मरीज को जल्द से जल्द उसकी पहचान करें कि टीबी से ग्रसित है और उसका सही ट्रीटमेंट करें। और चूंकि ये पूरी तरह से निशुल्क है, पूरे हर जगह हर PSC हर सेंटर में पूरे भारत में टीबी की दवाएं और टीबी की जांच निशुल्क है। बिल्कुल ख़तरनाक तो है ही है कोरोना, तो चूंकि टेम्परेरी आया है एक तरह से, और ये तो हमेशा एपिडेमिक है, थोड़ी थोड़ी हमेशा पाई जाती है। देखा गया है कि अगर हम लोग 10 लोग बैठे हुए हैं या 100 लोग बैठे हुए हैं, अगर हम लोग टीबी इन्फेक्शन की जान कराए कि कितने लोग टीबी से इन्फेक्टेड हैं, तो करीब करीब 45% यानी आधे के आसपास हिंदुस्तान में टीबी, भारत में टीबी से इन्फेक्टेड है। लेकिन ये नहीं कि जो इन्फेक्शन हो टीबी, इन्फेक्शन होने का मतलब टीबी डिजीज़ नहीं है। इन्फेक्शन में 90-95% में टीबी नहीं होती, 5-10% जो इन्फेक्टेड होते हैं, जो कहते हैं हम लोग मॉन्टू पॉजिटिव होते हैं, 5-10% ही टीबी डिजीज़ डेवलप करता है। तो टीबी डिजीज़ डेवलप होने के 5-10% पर थी, तो उसी टीबी डिजीज़ डेवलप होते ही उनकी जांच कराई जाए। और सबसे कॉमन सिम्टम जो टीबी के हैं वो खांसी आना, बुखार रहना। 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी होती है या बुखार रहता है या खांसी में ब्लड आता है या कमज़ोरी लगती है, भूख नहीं लगती, वज़न कम होता जाता है, ये इसके इम्पॉर्टेंट लक्षण है। इतने इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं कि इसको फ़ौरन आराम से पहचाना जा सकता है और इसकी जाँच निःशुल्क है। आजकल लेटेस्ट जाँच मॉलिक्यूलर टेस्ट आ गई है जो 2 घंटे में हम लोग पता लगा सकते हैं कि टीबी है कि नहीं। और एक एडवांटेज और है जिसको हम लोग कहते हैं जीन एक्सपर्ट,
और एक LPA, ये दो मॉलिक्यूलर टेस्ट से नई जांच आ गई है। दो घंटे में जीन एक्सपर्ट का पता लगा सकता है, 90 मिनट्स में दो तरह का पता लगाता है जीन एक्सपर्ट, कार्टेज बेस्ड जांच है। एक तो ये कि मरीज के बलगम में कीटाणु TB के हैं कि नहीं, यानी TB से ग्रसित है कि नहीं, और दूसरे वो किस तरह की TB है, सिंपल TB है या रेजिस्टेंट टाइप TB है। तो ये बलगम की जाँच से दो घंटे में 90 मिनट्स में टू बी प्रिसाइज हम लोग पता लगा सकते हैं कि मरीज को TB है कि नहीं बलगम में, और है तो किस टाइप की है, सिंपल TB या रेजिस्टेंट TB है। सिंपल TB है, 6 महीने का ट्रीटमेंट है, निःशुल्क है, सब PSC सब CSC सब TB सेंटर पर अवेलेबल है, आराम से मरीज आराम से कर सकता है। और एक भारत सरकार और हर TB के मरीजों को जिनको TB डायग्नोज हो गई है 500 रुपये महीना 6 महीने तक, यानी 3000 रुपया हर महीने 500 के हिसाब से देती है, जिससे उसका पालन पोषण, उसकी डाइट न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट उसको ले सके। ये भी 500 रुपया हर मरीजों को भारत सरकार दे रही है, कई सालों से दे रही है।